तो अब रुक करते हैं आगरा की खबर का, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आगरा में बीजेपी नेता पर अपनी पत्नी को पीटने का आरोप लगा है। आगरा में बीजेपी नेता की हैवानियत सबके सामने है। टीवी स्क्रीन पर जो फुटेज चल रही है, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीजेपी नेता है और उनके साथ उनकी पत्नी है, जो उन्हें कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी की जबरदस्त तरीके से पिटाई की और घर के अन्य लोग वहां खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। और ये सारा मामला है इस बात पर कि जब उस महिला से बात की गई तो महिला का कहना है कि जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, उसके बच्चे से उसे मिलने नहीं दिया जाता और वो इसीलिए दोबारा, ताकि पूरा झगड़ा खत्म हो, अपने बच्चे के साथ घर में रहने आ गई थी। तो पति ने उसके, यानी कि बीजेपी नेता ने उसे कमरे से खींचकर चौथी मंजिल से नीचे घसीट कर लाए और फिर पार्किंग में उसकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की। ये पूरी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। हस्बैंड और हस्बैंड की माँ ने, दोनों ने 6 महीने पहले निकाल दिया था घर से। आज उन्होंने सोसाइटी में मुझे इतना, 6 महीने से निकाल रखा था, तो कल से मैं अपने बच्चे के संग अपने हस्बैंड के घर में आके रहने लगी। हमारी कोई कानूनन कार्रवाई नहीं थी, मैं अपने बच्चे को लेके साधारण तरीके से जैसे और महिलाएं रहती हैं, मैं रह रही थी अपने घर में। ये आज आदमी आया, 10 लोगों को लेकर आया और इसने मुझे बाल पकड़ के 4 मंजिल से नीचे घसीटते हुए लाया, तो भी लेके गए हैं। मेरा बच्चा भी मुझे नहीं पता कहाँ पर है, मेरा मेडिकल हो चुका है। बस मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा मिल जाए और इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।